इस बीच बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रताप सिंह बड़ी खबर आ रही है, जहां से आपको ये रूबरू कराने जा रहे हैं। बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। आपको बता दें कि जिस तरह से आपको बता दें कि फर्जीवाड़े का ये मामला सामने आया है, फर्जीवाड़े को लेकर ये खबर सामने आई है। फर्जी आंकड़े चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है, 10 से 15 व्यक्ति ही भोजन करा रहे हैं, रिकॉर्ड में 300 व्यक्तियों के आंकड़े सामने आए। तो इस वक्त की बड़ी खबर जिससे आपको रूबरू करा रहे, गरीबों की रोटी पर भी लालच के ठेकेदारों के अब काले बादल मंडराने लगे। फर्जी आंकड़े चढ़ाने का वीडियो वायरल हुआ है, 10 से 15 व्यक्ति ही भोजन करते हैं। प्रतापगढ़ से ये बड़ी खबर आ रही है, बता दें कि प्रतापगढ़ के छोटी सादड़ी से ये बड़ी खबर है, जहां पर 10 से 15 लोग ही भोजन करते हैं, लेकिन आंकड़ों में ज्यादा दिखाई दे रहा है। आंकड़ों में दिखाया गया है कि 300 या 300 से ज्यादा लोग ये भोजन करते हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विवेक उपाध्याय हमारे साथ जुड़ गए। विवेक, क्या है पूरा मामला? जैसा कि मामला यह है कि रसोई इंदिरा रसोई के नाम पर सरकार लाखों रुपए खर्च कर रही है और गरीबों तक यह भोजन पहुंच पाए और जरूरतमंदों लोगों तक ये भोजन पहुंच पाए, इसके लिए सारी सुविधाएं की जा रही है। लेकिन प्रतापगढ़ जिले के छोटी सारड़ी में जो देखने को मिला है वो पूरी तरीके से ठेकेदारों की लापरवाहियों का नतीजा है, पूरी तरीके से सरकार के पैसे का गबन करने का मामला है। किस तरीके से रसोई के पैसे के नाम पर फर्जी एंट्री मोबाइल से कर कुछ वीडियो जो वायरल हुए हैं उससे साफ हो रहा है कि किस तरीके से फर्जी एंट्री कर जो पैसा है, रसोई का जो पैसा है, वो फर्जी एंट्री कर वसूला जा रहा है। 15 लोगों को खाना खिलाया जा रहा है और 300 लोगों के नाम पर वसूली की जा रही है सरकार से। विवेक, क्योंकि ये सीएम की महत्वाकांक्षी योजना है और इसमें इस तरह का जो ये इतना बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है, ये जो आंकड़े सामने आए हैं, इसमें अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कार्रवाई करने की बात कही है? नहीं, अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। अधिकारियों से भी इस बारे में हमारी ओर से बात करने के प्रयास किए गए, लेकिन किसी तरह का कोई संतोषपूर्ण न तो जवाब दिया गया है और न ही इस प्रकार की कोई कार्रवाई अभी तक इस पर हो पाई है, क्योंकि वीडियो कल से वायरल हो रहे हैं। विवेक, जिस तरह से ये वीडियो वायरल हो रहे हैं और क्योंकि आला अधिकारी भी इस पर कुछ भी बोलने से जो है ये इसमें बसे नजर आए, तो जाहिर तौर पर ये देखा जाए कि इसमें कहीं ना कहीं मिलीभगत हो सकती है। बिल्कुल, मिलीभगत का पूरा मामला है, क्योंकि 15 लोगों को खाना खिलाकर 300 लोगों के खाने का पैसा अगर वसूला जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है और हो सकता है इसके पीछे कहीं ना कहीं लाखों रुपए का गबन का मामला होगा। और कितने लंबे समय से हो रहा है, क्योंकि जिले भर में एक ही ठेकेदार द्वारा इस तरह के संचालन किए जा रहे हैं इंदिरा रसोई के। विवेक, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बीच जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। दरअसल जयपुर में जल संकट गहराता जा रहा है और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस तरह से पाइपलाइन टूट गई और उसके बाद उसकी मरम्मत का काम चल रहा है, हालांकि अभी पाइपलाइन में से पानी निकालने का काम चल रहा है और उसके बाद इसकी मरम्मत का काम